पनीर पसंद है ना आपको, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे घर में भी पनीर सब बहुत चाव से खाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर, जो अपनी किचन में चीज़ें अवेलेबल है बस उन्हीं चीज़ों से मैं बनाऊँगी, एक्स्ट्रा झंझट कोई नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ पनीर। तो कैसे बना रही हूँ पनीर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तो मैं पनीर को तलूंगी, हल्का सा तल लिया है, ज़्यादा नहीं तलना है। वेल दोस्तों, ये पनीर मैंने तल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि इससे पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, रबड़ की तरह नहीं होता। तो ये एक टिप समझिए, तो ये इस टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वेल दोस्तों, मैंने तड़का तैयार कर लिया है। तो मैं सबसे पहले इसमें जीरा डाल रही हूँ, ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने पनीर को तला था। मैं डाल रही हूँ दालचीनी और बड़ी इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ छोटी इलायची और लौंग डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे दो तेज पत्ते लिए हैं, दो तीन तेज पत्ते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं सारे मसालों को साबुत ही डाल रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं लहसुन डाल रही हूँ कुटा हुआ, और मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे चार बड़े प्याज लिए हैं जिसे मैंने क्रश कर लिए हैं। पनीर में प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है तो उससे टेस्ट इन्हेंस होता है। तो इसे मैं भून लेती हूँ प्याज को अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। पनीर में प्याज के बिना पनीर अधूरा है, प्याज टमाटर, तो इसमें प्याज का रखे ध्यान। तो दोस्तों, ये प्याज थोड़े नरम हो गए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। ये राजेश मसाला है, समझो ये डल गया तो सब कुछ डल गया। अब यहीं पे मैंने लाल मिर्च ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ मैंने हल्दी भी डाल दी है। तो यहीं पे मैंने तीन टमाटरों को पेस्ट बना लिया है पीस कर, तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से इसे भी भून लेना है जब तक ये तेल ना रिलीज करे। फिर दोस्तों, ये देखिए तेल रिलीज कर दिया है, इसका मतलब ये पक चुका है। पनीर बनाने के लिए इसमें मैंने कोई अलग से मसाला यूज़ नहीं किया, जो घर में अवेलेबल है बस उसी से मैं बना रही हूँ। तो उसी से ग्रेवी देखिए इसकी कितनी मस्त बनने वाली है। यहाँ पे मैंने कुछ पनीर बचा लिया था, मैं इसे हाथों से ऐसे फोड़ दे रही हूँ, तो मैं इसे फोड़ के डालूंगी। इससे भी ग्रेवी बहुत सुंदर लगेगी और खाने में टेस्टी होती है, तो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसे भी मैं इसमें भून लेती हूँ। तो ये भी एक सीक्रेट है, इससे ग्रेवी बहुत मस्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इसके लिए भी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वेल फ्रेंड्स, ये पनीर का वही पानी है, तो मैं इसी को ऐड करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालिए। मैंने पनीर को भिगोया था, ये वही वाला पानी है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस 2 कप पानी डाला है ये। तो इसे ही उबाल लूँगी, फिर इसके अंदर मैं पनीर को डालूँगी। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी पक रही है, तो मैं इसमें पनीर को ऐसे ऐसे डाल रही हूँ। तो ये पनीर कुछ इस तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो ये पनीर की ग्रेवी बहुत ही मस्त लगती है, मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। तो मैंने प्याज में नमक डाला था, तो अभी मैं थोड़ा ही डालूंगी अपने स्वाद अनुसार। तो बस 1 मिनट में और पकाऊंगी, बस ये रेडी हो जाएगी। मैं इसमें हल्का सा धनिया डाल दे रही हूँ, देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, बाउल में निकाल ले रही हूँ। तो आपको मेरी पनीर की रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको